राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये खीरे की फसल है और खीरे के पौधे सूख रहे हैं, तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे? यदि कोई उपाय नहीं करते हैं तो आपकी फसलें सूख जाएंगी और आपका बहुत नुकसान होगा। इसलिए किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, आप देखिए, इसकी जड़ को पहले हम निकालते हैं ज़मीन से, और जड़ को निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसमें मेन समस्या क्या है। ये देखिए, हमने जड़ को निकाला है, और जड़ को निकाल रहे हैं तो इसके पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जड़ें भी सूख रही हैं, पीली पड़ गई हैं और सूख गई हैं। अब इसको हम जड़ को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद में ये देखिए, इसको अभी हम तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद में इसमें जो है सफ़ेद और पीले कलर के ये कीड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको, बहुत छोटे छोटे से ये कीड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं। और कीड़े लग गए हैं तो इसकी रोकथाम करना अनिवार्य है किसान भाइयों, और ये है फसल खीरे की है। तो अगर आप किसी भी दवा का आप ऊपर से छिड़काव करते हैं खड़ी फसल पर, तो छिड़काव करने पर दवाइयों का असर कम होगा, जिससे कि ये कीड़े मरेंगे नहीं, और यदि कीड़े नहीं मरते हैं तो फसल सूख जाएगी। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आपको सर्वप्रथम इसकी रोकथाम के लिए जब आप पानी लगाते हैं तो उसी पानी में दवा डाली जाती है, पानी में, उसी पानी में बहते हुए पानी में आप दवा डाल दीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अभी पानी लगाया गया है खेत में और पानी भरा भी हुआ है। यदि आप बहती हुई धारा में आप अपने अनुसार नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ऐसे भरे हुए पानी में बोतल में छेद करके और डाल सकते हैं। दवा का नाम है क्लोरोपायरीफास 50% और प्लस साइपरमेथ्रिन 5% SC का जो घोल आता है, इसका आप 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको खेत में डाल सकते हैं। आप पानी में डाल दीजिए, यदि पानी में नहीं डाल पा रहे हैं, बहती हुई धारा में नहीं डाल पा रहे हैं, कोई समस्या हो रही है कि कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो आप मिट्टी में या बालू में मिला जब आप पानी लगाएं, तो इसको आप दवा को पानी में या बालू में, मिट्टी में या बालू में मिलाकर आप जब पानी भरा हो खेत में, तब पूरे खेत में बुरकाव कर दें, जिससे कि ये समस्या तुरंत कंट्रोल हो जाती है और आपकी फसल भी बच जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कीड़ों की जड़ों को काटने से इनके पौधे सूख गए हैं पूरी तरह से, इसी प्रकार से तमाम पौधे सूख चुके हैं। तो किसान भाइयों, ये याद रखें कि क्लोरोपायरीफास और साइपरमेथ्रिन, जो कि दोनों का कम्बिनेशन आता है, ये कुछ उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की आती है, और आप खीरे की फसल पर जब फूल की अवस्था हो तब इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल झड़ने लगते हैं, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता पर नुकसान होगा, पैदावार में कमी आ जाएगी। तो इस दवा को आप बहते हुए पानी में डाल दें, या थोड़ा सा बालू में मिलाकर, और पूरे खेत में जब पानी भरा हो तो बुरकाव कर दें, इससे यह समस्या खत्म हो सकती है। क्लोरोपायरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन आपको उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की, जिनके कुछ व्यापारिक नाम हम आपको बताते हैं, इन्हीं का डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें हो सकता है कि आप यदि अन्य कंपनियों का लाते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको उच्च गुणवत्ता वाली लेना है, जैसे घना केमिकल लिमिटेड कंपनी का हमला के नाम से जो दवा आती है उसको आप डाल सकते हैं, उसके बाद में ठाकर केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की बारूद के नाम से आती है उसको आप डाल सकते हैं, इसके बाद में आप इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आप ले सकते हैं, इसको आप डाल सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको बहते हुए पानी की धारा में आप डाल दें, या फिर आपके खेत में पानी भरा हो और आप इस दवा को बारू में मिलाकर और पूरे खेत में छिड़काव कर दें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पानी की धारा चल रही है, आप
बोतल में छेद करके यहीं रख सकते हैं। किसान भाइयों धन्यवाद।